की पत्नी ज्योति सिंह के तेवर जो है वो बहुत ही सख्त हो गए हैं और इनके रिश्तों में जो है तल्खी बहुत आ चुकी है। जी हाँ, लोगों को ये लग रहा था कि ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन अब कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस तरह से ज्योति सिंह की तल्खियाँ इन दिनों पवन सिंह के साथ बिगड़ी हैं रिश्तों को लेकर। वो साफ जाहिर कर रही हैं कि ये रिश्ते काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वैसे इनके रिश्ते शुरुआती समय से ही अच्छे ना थे। ज्योति सिंह ने जब अक्षरा के साथ फ़ोन पे बात की थी और उसे सारी बातें बताई थी अपने रिलेशन को लेकर, ये तो सभी को जग जाहिर हो गया था कि इन दोनों के बीच अब रिलेशन पहले वाले नहीं रह गए हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब इन दोनों के रिलेशन को लेकर मीडिया में कुछ कहा जा रहा हो। इससे पहले भी इन दोनों के रिलेशन को लेकर बहुत सारे वीडियोस मीडिया में वायरल हो चुके हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्तों में तकरार हमेशा से रही है। इनके बीच कभी भी प्यार वाली जो सिचुएशन है उस पर आपने वीडियो देखा होगा बहुत कम ही बने हैं। वैसे आपको बता दें जो इनके तकरार वाली बातें हैं, जो इनके रिश्तों में दरार वाली बातें हैं, वो तब मीडिया में सबसे ज़्यादा खुल के सामने आई जब पवन सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी नीलम को उनके पुण्यतिथि के मौके पर अपने जीवन की सबसे बड़ी क्षति कहा। इसे देखकर उसके तुरंत बाद ही सेम वही फ़ोटो ज्योति सिंह पोस्ट करती हैं और ये कहते हुए नज़र आती हैं कि जो सम्मान आपको जीते जी न मिला वो मरने के बाद भगवान के चरण। और इसके बाद पवन सिंह के फैंस ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई कि ये जो अकाउंट है वो ज्योति सिंह का है ही नहीं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि वो अकाउंट ज्योति सिंह का ही है। तल्खियाँ एक बार और मीडिया में तब सामने आई थी जब अक्षरा सिंह के किसी पोस्ट पर उनके एक ट्रोलर ने उन्हें ये कहा, तुम तो घर बिगाड़ती हो, तुम्हें मौका मिलता तो तुम ज्योति सिंह की जगह ले लेती, नीलम सिंह को शायद मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ हो। उस ट्रोलर को जवाब देते हुए अक्षरा सिंह ने ये तक कह दिया था कि पवन सिंह की तीसरी पत्नी से भी उनका डिवोर्स हो चुका है, वो मायके में रहती हैं। और तभी भी यही बात मीडिया में सभी के सामने आई थी और ये बात तभी भी पवन सिंह के फैंस को बहुत बुरी लगी थी कि अक्षरा सिंह ने कुछ इस कदर पवन सिंह की जो सच्चाई है सरेआम ला दी। वैसे भी आपको बता दें कि पवन सिंह के बनते बिगड़ते रिश्तों पर हजारों बातें आती हैं, लेकिन पवन सिंह कभी कुछ नहीं कहते। हर बात पर वो हमेशा नो कमेंट ही कहते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।